अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि आपको मालूम है कि बरफ़त का महीना शुरू हो चुका है। अब मैं बनाने जा रही हूँ आसान तरीके से खीर, दाल की पूरी, छोबे की पूरी। आप लोग देख सकते हैं ये चने की दाल है, मैं 3 बार पानी से धो चुकी हूँ, इसको गलने के लिए चढ़ा रही हूँ। ये चोबा है, 2 बट्टी घस के रख ली हूँ। ये काजू है, ये बादाम है, ये किशमिश है, ये शक्कर है, ये 4 से 5 इलायची है, ये घी है और ये दूध है। अब ये पूरा मिक्स कर दे रही हूँ मैं ड्राई फ्रूट। ये मैं 3 ग्लास मैदा ली हूँ, ये थोड़ा सा आधा गिलास रवा ली हूँ, थोड़ा नमक डाल रही हूँ, थोड़ा घी डाल रही हूँ, दूध भी डाल रही हूँ, ताकि बहुत मुलायम पूरी बनती है, नरम बनती है। दूध घी में भिगाने से आप लोग देख सकते हैं पूरा मैं घी दूध में भिगाती हूँ। अब मैं 1 घंटा भिगने के लिए रख दूँगी इसको। अभी मेरी दाल गल चुकी है, अब मैं इसको निथारूँगी, ग्राइंड कर लूँगी अच्छा सा मिक्स करके। आप लोग देख सकते हैं मैं ग्राइंड कर ली हूँ चने की दाल को। अब मैं ये घी ली हूँ, दाल को बघार रही हूँ। आप देख सकते हैं दाल को अच्छे से बघारती हूँ। इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रानी रंग भी डालती हूँ मैं, शक्कर भी डाल रही हूँ। इसको अच्छा मिक्स करूँगी, इसको पेस्ट बना लूँगी। अब इसको ठंडक को रखूँगी। इधर मेरा आटा भी भीग चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इसके पेड़े बना रही हूँ मैं अच्छे से मल के। अब मैं ये पेड़े बना रही हूँ, माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं बनाने का तरीका मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं बनाने जा रही हूँ दाल की पूरी। अब 2 चमचे दाल डाल रही हूँ मैं इसमें। अब अच्छा सा पानी लगा रही हूँ साइडों पे मैं। इसको फोल्ड कर रही हूँ, इसको बाजू से कट कर रही हूँ, सब कश्ती में जमा के रख रही हूँ मैं। ज़रा ठंडा होने के बाद मैं इसको फ्राई करते खुद बतलाऊँगी। पूरी का तो सेम तरीका रहता है, और दाल की जगह चोबा डालना रहता है। मेरे घर में पूरी की बहुत तारीफ़ करते हैं, मैं बहुत मुलायम पूरी नरम बनाती हूँ, मुँह में डाले तो मेरी यम्मी यम्मी पूरी घुल जाती है। कढ़ाई को गरम कर रही हूँ, ये घी डाल रही हूँ 1/2 किलो। आप लोग देख सकते हैं मेरी पूरी हवा लग गई थी, मैं फ्राई कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कितना ब्राउन कलर आया है। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं मेरे पूरियाँ कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं खीर की बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह, मैं 1/2 घंटा ये चावल भिगने रख दी थी 2 पानी से धो के। ये शक्कर है, आप लोग देख सकते हैं ये साबुनदाना है, ये बादाम है, ये साबित बादाम है, ये काजू है और दूध के डब्बे हैं। दूध डाल रही हूँ, ये मेरा दूध अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब मैं शक्कर डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं ये बादाम का पेस्ट मैं ग्राइंड कर ली हूँ। अब मैं दूध में डाल रही हूँ, बहुत यम्मी बनती है। अब मैं ये चावल डाल रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये इलायची भी डाल रही हूँ साबित। दूध गर्म कर रही हूँ, ये दूध अच्छी तरीके से गर्म हो गए बाद माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं मेरे पूरियाँ खीर कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। ये दाल की पूरी है, चोबे की पूरी है, खीर है, यम्मी यम्मी बनी है। आप लोगों को मैं चख के बतलाऊँगी। मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़।